नमस्कार, मैं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं द थिंकर टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ भोपाल में। भोपाल में जो पीछे काफिला आ रहा है एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। शिवराज सिंह चौहान जी अब नए पद के साथ, नए लाल लश्कर के साथ एमपी में आज दाखिल हुए हैं। बता दें कि कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी होने वाली है। वह दिल्ली से भोपाल शताब्दी ट्रेन से आए हैं, उसके बाद रोड शो कर रहे हैं। हम आइए जानते हैं यहाँ के जो समर्थक हैं उनसे वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। शिवराज सिंह जी अब कृषि मंत्री बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का उत्साह है। काफी विकास होगा और ज्यादा विकास होगा और तेजी से विकास होगा, बहुत मजा आ रहा है। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, बीजेपी हमेशा रहेगी और रहना चाहिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं शिवराज सिंह जी का काफिला आ रहा है। शिवराज सिंह जी अभी भोपाल में आज कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हुए हैं और इनको इनके स्वागत के लिए जो है पूरा भीड़ जो है भोपाल की। और आप देख सकते हैं शिवराज सिंह जी भोपाल में यहाँ के भोपाल के साथ साथ अनूप शर्मा जी और उनकी पत्नी जी मौजूद थी, अभी नहीं है। वह सीधे पुराने भोपाल में रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं उनके समर्थक बड़े हुए हैं, बातचीत भी करेंगे। अरे कहाँ से आए भैया? हम आष्टा विधानसभा से। आप तो मामा जी बन गए कृषि मंत्री, क्या लगता है, इससे क्या उम्मीद है? सरकार बनने के बाद बहुत खुशी हो रही है मामा जी के कृषि मंत्री बनने से। हम भी किसान ही हैं तो हमें लग रहा है कि किसानों को काफी फायदा होगा। क्या किसानों के हित में बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे मामा जी? जी रहेंगे ना, निश्चित रूप से रहेंगे, बड़े फैसले लेंगे, जरूर लेंगे और सक्षम है वो। उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी लगभग फ्री हैंड दिया गया है कि किसानों के हित में वो जो भी चाहे फैसले ले सकते हैं, क्योंकि खुद भी एक किसान पुत्र रहे हैं तो किसानों के हित में काफी अच्छे फैसले लेंगे, हमें उम्मीद है। यहाँ के लोग कह रहे हैं किसानों के हित में मामा जी अब अच्छे फैसले लेंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी का आप देख सकते हैं फूलमाला से स्वागत हो रहा है और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम बनने के बाद पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभी जिस जैसे मामा जी का कद जो है घटा था, उनको पोस्टरों से गायब कर दिया गया था, उनको होटल दिया गया था, लेकिन जैसे ही मामा जी को नई जिम्मेदारी मिली है अब फिर से मामा जी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, केंद्र लेवल पे मामा जी से मिलने के लिए नेताओं का जमावड़ा रहता है। भोपाल पहली बार पहुंच रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि कृषि मंत्री बनने के बाद किस प्रकार फैसला लेते हैं। ऐसे में देखा लोकसभा चुनाव में एनडीए ने सरकार तो बना ली लेकिन वो दबदबा नहीं रहा, बीजेपी ने बहुमत से बहुत पीछे रह गई बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान जी आज उसी कड़ी में पहुंचे हैं भोपाल, धूप में, कड़ी धूप में रोड शो कर रहे हैं। किसान के बेटे शिवराज सिंह चौहान आज नारा लग रहा है तमाम तरीके का। देखिए शिवराज सिंह के लिए बड़ी बड़ी मालाओं, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री बनने के बाद किसानों क्या फैसले लेते हैं, यह सोचने वाली बात होगी। हम अभी भोपाल में मौजूद हैं और शिवराज सिंह जी का रोड शो कवर कर रहे हैं। कड़ाके की गर्मी है और गर्मी है फिर भी शिवराज सिंह चौहान जी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, यही शिवराज की खामियां हैं जो शिवराज को शिवराज मामा बनाती हैं। आज मामा पूरे देश में विख्यात हो गए हैं और अब केंद्र की राजनीति करने गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से लौटे हैं नए पद के साथ, नए लाल लश्कर के साथ और नई पहचान के साथ। बताते वो बन गए हैं कृषि मंत्री। मोदी जी की कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह जी किसान परिवार से आते हैं और वह आज भोपाल नगरी में पहुंचे हुए हैं, जो लगातार भोपाल स्टेशन से जहांगीराबाद होते हुए उनका काफिला निकल रहा है और लोग स्वागत के लिए जगह पर मंच लगा हुआ है। आइए हम बात करते हैं महिलाओं से और जानते हैं इनको कैसा लग रहा है शिवराज सिंह चौहान मुख्य शिवराज जी कृषि मंत्री बन गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रही है, आप उनकी कृपा से बहुत लोगों को बहुत सुविधा दी है कि बहनों को बहुत पैसे भी दिए हैं उन लोगों ने, इसलिए धन्यवाद कहती हूँ कि शिवराज भैया अच्छे हैं। खुश हैं आप? हो गए। शिवराज जी बन गए हैं कृषि मंत्री, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रही है। करेंगे कृषि? बिल्कुल करेंगे, पहले भी करते आए वो करते रहेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था लेकिन नहीं बने, अब नई जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जिम्मेदारी मिल गई ना उनको, उससे भी मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई उनको, केंद्र में नाम होगा ना। बिल्कुल स्वागत करिए, स्वागत करिए। और देखिए पीछे शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं काफिले के साथ और यहाँ पर तमाम मीडिया चैनलों का जमावड़ा है,
जो बच्चे हैं वो मुखौटा लगाए हुए हैं शिवराज सिंह जी का स्वागत के लिए, और आगे हम चलते हैं उनसे ही बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी क्या है लोगों की और लोगों की राय। तो शिवराज के स्वागत में देखिए किस तरीके से फूल माले तो आए साथ में उनका भव्य स्वागत करने के लिए, तरह तरह से लोग अनोखे तरीके से शिवराज जी का स्वागत कर रहे हैं। अभी जहांगीराबाद मार्केट के पास काफिला पहुंचा हुआ है, जगह जगह स्टेज बनाया गया है, और शिवराज सिंह चौहान जी आज ट्रेन के माध्यम से भोपाल पहुंचे हैं। साथ में उनकी पत्नी साधना गुप्ता भी मौजूद रही हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी का यह पहला दौरा है। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर और क्या सोचती है यहाँ की जनता। धन्यवाद।